काम है, कानून अपना काम करेगा, सरकार नहीं पूछेगी। सर केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, 12 नवंबर को चुनाव होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत लगाव रहा है केदारनाथ से, ऐसे में आपकी क्या तैयारी है चुनावी तैयारी? देखिए वो चुनाव बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब वहाँ से हमारी जो विधायक थी आदरणीय शैला रानी थी उनका दुखद रूप से हमारे बीच से वो चली गई, और इस परिस्थिति में हो रहा है। और केदारधाम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, एक भव्य केदार और दिव्य केदार बनाया, निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय के निकट है। उस स्थान का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है, तो वहाँ के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ पर, उस आपदा में भी जिस प्रकार से तेजी से काम हुआ है सब लोगों ने देखा है, और मैंने भी कहा है, वहाँ जाकर भी कहा था, पहले भी कहा था कि जितने समय तक केदारनाथ क्षेत्र को नया विधायक नहीं मिल जाता मैं भी उनके विधायक के रूप में काम करूँगा। उस कड़ी में अनेक अनेक कामों को हमने आगे बढ़ाया है, विकास का क्रम वहाँ शुरू हुआ है, दूसरे चरण की यात्रा अभी प्रारंभ हुई है, और इतना सारा 29 स्थानों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाने के बाद, भूस्खलन होने के बाद, संपर्क कट जाने के बाद अब यात्रा फिर से जोरों पर वहाँ पर हो गई है। देश दुनिया के लोग यात्रा में आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, हम सबकी सुविधा सबकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए जो हमारे पहले चरण की यात्रा में हमारे होटल वालों को, घोड़े खच्चर वालों को, वहाँ के संचालकों को, जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, टैक्सी ड्राइवरों को जिनके कारण जिनका इस चारधाम यात्रा के कारण से अपना काम चलता था थोड़ी बहुत परेशानी हुई, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि इस बार की दूसरी चरण की यात्रा उनकी आसानी से हो और वो यात्रा जो कमी रह गई थी वो यात्रा भी पूरी हो, उसके लिए